कल पाकिस्तान का हर बॉलर पेला गया और न्यूजीलैंड वालों ने 401 रन ठोक दिए। ये सब देख पाकिस्तान के मैनेजर तुरंत ड्रेसिंग रूम से देखने लगे कि बेंगलोर से कोई डायरेक्ट फ्लाइट झांदुम जाती है क्या। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। दोस्तों कल था वीकेंड और हम सभी सोकर लेट उठे। उठते ही मोबाइल खोला तो हम सबकी आंखें खुल गई, हार्दिक भैया वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। साला लगी रहा था कि इतना बढ़िया चल रहा वर्ल्ड कप में अभी तक किसी की नजर काहे नहीं लगी, और देखो आखिरकार पनौती लगी गई। वहीं कल के मैच की बात करें तो रचिन रविंद्र और विलियमसन ने पाकिस्तान की ढंग से कुटाई की। रचिन रविंद्र की बैटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि राहुल और सचिन से बोलकर इन्हें इंडिया की तरफ से खेलने की सिफारिश लगवा दे। मतलब कि कल पाकिस्तान का हर बॉलर पेला गया और न्यूजीलैंड वालों ने 401 रन ठोक दिए। ये सब देख पाकिस्तान के मैनेजर तुरंत ड्रेसिंग रूम से देखने लगे कि बेंगलोर से कोई डायरेक्ट फ्लाइट झांदुम जाती है क्या, क्योंकि पाकिस्तान तो वापस जा नहीं सकते, नहीं तो वहाँ की आवाम अलग पेलेगी। लेकिन फकर जमान और बाबर ने क्रिकेट का बढ़िया नजारा 330 रुपए लेकर आई ऑडियंस को दिखा दिया। और इनकी थोड़ी सी मदद इंद्रदेव ने भी की। नतीजन डकवर्थ लुईस से पाकिस्तान यह असंभव मैच जीत गया। वहीं आज इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का अहम मुकाबला होने वाला है, हो सकता है यही दोनों टीमें आपको फाइनल में देखने को मिले। वहीं इंडिया के लिहाज से आज का मैच जीतना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आज का मैच वो जीत जाते हैं तो वो टॉप पे होने के साथ पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान जैसी टीम से भिड़ेगी जो कि इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रही जितने कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका चल रही है। इसलिए आज का मैच का पूरा पोस्टमार्टम इसी तरह मजेदार तरीके से चैनल पे लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं अगर आप माई 11 या ड्रीम 11 पे टीम बनाते हैं तो आज की मेरी ये टीम होने वाली है, तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया आप ले सकते हैं। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उनको भी जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।